अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब के? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो आज का ब्लॉग हम इधर ग्रोथ रूम से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आते साथ हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा कि मुझे याद नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट करना है। फिर मैंने कहा चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। चलें अभी बस हम थोड़ा बहुत काम कर लें, फिर आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर ये दोनों काम शाम करें जी। अच्छा, तो अभी जो है लेक्चर तो हमारा जो कि ख़त्म हो गया फाइनली। हाय हाय, इतना कोई शदीद किस्म का शोर हो रहा है क्लास में। अभी हम जा रहे हैं दोबारा लैब वर्क करने के लिए, जो कि लैब वर्क है ना हमारी जान ही नहीं छोड़ा। ये इनको देखें आप बस। नहीं नहीं, ये आजकल बहुत ही नैपुर यूनिवर्सिटी में नज़र घुमाना ज़रा। मैम का तो कफ लगा हुआ है ना आगे, मैम के तो दूसरे। अच्छा ये देखें, मैंने न्यू गाउन लिया है और जिसके ना ये इस तरह क्या है, अच्छी लग रही है। अरे मेरी तारीफें हो रही हैं। दोबारा सुनना चाहती हूँ मैं। क्या बहुत अच्छी लग रही है। ओह थैंक यू। अबू डब्बू किसी की तारीफ नहीं करते, इन्होंने तारीफ कर दी, इसका मतलब यह है कि वाकई मैं अच्छी लग रही हूँ। चलाओ इसे चलें। तैयबा की बॉटल है। अच्छा तो अभी हम दोबारा लैब में जा रहे हैं। अच्छा तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, डाइजेशन करनी है हमें और केमिकल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो लैब में नहीं करेंगे क्योंकि उसके फ्यूम्स पूरी लैब में फैल जाएंगे। अभी मैं ऊपर आई हूँ। अच्छा तो मैंने आप लोगों को दिखाना था, कमेंट्स आए थे मुझे कि भैया आप कंस्ट्रक्शन साइट दिखा दें। खैर तो मैंने कहा चलो अब प्रैक्टिकल वर्क के लिए हम ऊपर आए ही हैं, तो क्यों ना फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है। ये देखें, ये जो सामने है ना, सही से नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन ये DMS डिपार्टमेंट है। मैं ज़ूम करने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, ये जो है डिपार्टमेंट ही बन रहा है फिज़िक्स का, इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स। वैसे तो फिज़िक्स की क्लासेस अभी साइंस फैकल्टी में ही होती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि 2024 तक ये वाला डिपार्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके इस साइड पे ये नर्सिंग का डिपार्टमेंट है, इस साइड पे है नर्सिंग का, ये नर्सिंग का है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, मैं इतनी कोई ऊपर आई हूँ ना, मतलब कि तीन तरह की स्टेयर्स, क्या बोली जा रही हूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये देखें, ये हमारे डिपार्टमेंट की बैक साइड है। इसके उस साइड पे जो है ना, राइट साइड पे वायर हाउसेस वगैरह, जहाँ पे मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया। ठीक है, अभी मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम करने क्या आए हैं। इतनी गर्मी में हमारी मत मारी गई थी जो हमने इधर आना था किसी काम की वजह से ही आए हैं, जाहिर सी बात है। तो मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फ्यूम्स जो थे ना, वो ये कौन आ रहा है गर्मी में। चलो अंदर, अबू डब्बू को मेरी फिक्र हो गई है। चलो यार अंदर चलो तुम। और वो कह रहे हैं कि तुम सारे बाहर। अच्छा भाई, तो ये देखिए हम लोग ही तो बैठे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो फ्यूम्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे ना, कि वो फ्यूम्स नहीं, वो फ्यूम्स उड़ जाएँ वो फ्यूम्स। हम इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं और उसको हमने 170 टेम्परेचर पे लगाया है, जो कि हमें मैम ने कहा है। और अपनी
उठा लें। और ना बहुत बुरी हालत हो गई है, इतना काम किया ना, अभी भी बहुत काम रहता है, लेकिन खैर कुछ खा लें फिर उसके बाद दोबारा से कर लेंगे। अच्छा भाई, तो ये अभी हम कैंटीन पे बैठे हुए हैं और बस बैठे ही हैं। और ये जो है ये एग्रीकल्चर कैंटीन है, हमारे डिपार्टमेंट की कैंटीन है ये। अच्छा ये ऐसे स्लीव्स हैं इसके। अच्छा चलो बताओ ये कैसा है। अभी हमने ना ये ऑर्डर किया फालसे का शरबत, और इसका ना रिव्यू देंगे अब बुढ़ा। बताओ बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है। पूछो वाल मत बोलो। हाँ हाँ बता रही हूँ कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है ये, और कोक से तो बहुत बेहतर। अच्छा भाई, तो ये देखिए हम चारों जो हैं, हेलो, हम चारों जो हैं दोबारा डिपार्टमेंट जा रहे हैं, लैब जा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी का मौसम आप लोग देख सकते हैं, इंतहाई कोई शदीद किस्म की गर्मी चल रही है। बस जा रहे हैं लैब। फाइनली वी आर डन, और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। ये रहे मेरे दोस्त, और आज हम बहुत थक गए हैं। आज मंडे है, लेकिन मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे कि आज ना फ्राइडे या सैटरडे, और इसके बाद वीकेंड होगा, छुट्टियां हो जाएंगी, घर रहेंगे। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। डिपार्टमेंट ये देखें, ये है वी सी हाउस, और ये मेरे तीन अदर दोस्त जा रहे हैं। और जब मैं घर में होती हूँ ना, तो मैं इतनी बातें सोचती हूँ कि जब मैंने व्लॉग बनाना है ना, मैंने ये वाली बात करनी है आप लोगों से, ये वाली बात करनी है, और जब मैं कैमरा उठाती हूँ मुझे बातें ही भूल जाती हैं, मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने क्या बात करनी है, और भी मेरे माइंड में कोई भी बात नहीं आ रही है। अच्छा मुझे ना इसकी ये स्लीव्स बहुत बहुत अच्छे लगे, मतलब मैंने लिया ही गाउन इस वजह से, क्योंकि हम जब लैब में काम कर रहे होते हैं ना, तो बाजू ख़राब हो जाते हैं आगे से, तो इसकी ये अच्छी बात है कि ये अच्छे हैं। बस अभी एमसी पहुंच जाएंगे हम, इतनी देर से पैदल चली जा रहे हैं, रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब तुम रहोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पर जो है डिस्कशन चल रही है कि इस्लामाबाद का माहौल, नहीं माहौल नहीं, इस्लामाबाद का वेदर, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है या फिर हमारे भावलपुर का। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, बताइएगा कि कौन सा अच्छा है। यहाँ पे एक बंदी कह रही है इस्लामाबाद इज़ नॉट गुड एट ऑल, और बाकी लोग कह रहे हैं नहीं नहीं इस्लामाबाद तो वही इस्लामाबाद है। खैर अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, और जाओ विजिट करो वहाँ, रहो, उस टाइम तक तुम्हें पता चलेगा। एम सी पहुँच गए हम, बस अभी पॉइंट लेंगे, एक ही पॉइंट आया हुआ, लेकिन खैर एम सी आ गए हम, और आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर तो आप नहीं करेंगे मुझे पता है, तो लाइक तो कर सकते हैं ना। चलें, अल्लाह हाफिज़।